शूट की है टी सीरीज जी के लिए। मेरा भी एक 3 महीने पहले अरिजीत का भी सॉन्ग आया था, तो लेकिन ये गाना मुझे ना राजेश ने दिया, राजेश और धवन ने। ये एक्चुअली मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने जितने भी वीडियोस किए मैंने गाने प्लान किए, लेकिन ये गाना उन लोग मेरे पास लेके आए, फिर ऑफकोर्स उसको मैंने मॉडिफाई किया मेरी तरफ से। राजीव ने इसको प्रोग्रामिंग की है इस गाने की, जो आप देख रहे हो पूरा राजीव ने किया है, और दीपक ने लिखा हुआ गाना। तो मेरे पास जब गाना आया तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और फिर उसके बाद गाने में स्टोरी के बिना तो मुझे लगता नहीं कुछ एसेंस होता है, बिकॉज सिर्फ कोरियोग्राफ करो, सिर्फ डांस करते हुए दिखाओ, तो फिर तो नॉर्मल गाना बन जाएगा। According to this video, yeah, according to this video, this guy who is already in love with me, he wants me to fall in love with him, because you know, like I had a past, like everybody has a past, and it takes some time to come out of that and start a new life. I think like that. My definition of love, I think if love could be defined, तो किसी के breakups ही नहीं होते दुनिया में. You know, love cannot be defined, but then it's just a feeling when you feel that, you know, like the person. I don't know what love is, but I understand what a soulmate is, and I believe in the soulmate concept, and I really want that the man I marry will be my soulmate, and you know, I might have differences with him, but then it would be easy to sort everything out with him, because ultimately we would want to be with each other, and it's very important that the man should be my best friend. There should not be any veil between us. I mean we should be just two bodies and one soul like that. That's my definition of love, maybe. Rajiv bhai ke sath hamara pehle 13 intezar jab hua tha movie, tabhi humne plan kiya tha ki aage kuch na kuch karenge, but itna height lene ke baad movie ka ya uska wo sab karne ke baad aisa laga ki nahi shuruaat meri hai, agar personally to ek do songs se start karte hain. Maine 3 gaane ke liye Rajiv ji se, Rajesh ji se sabse baat ki hui hai. पहला लॉन्ग सॉन्ग है जो भी है, उसके बाद एक जैसे आपने बोला वहाँ पे पंजाबी सॉन्ग करना चाहिए, या फिर आइटम सॉन्ग आजकल काफ़ी चल रहे हैं, रिमिक्स काफ़ी चल रहे हैं, तो उस पर आगे बात चल ही रही है. नेक्स्ट 6 मंथ में आप हाँ कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आगे 2 सॉन्ग अभी आने वाले हैं, बट मूवी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो स्टार्टिंग यहाँ से किया है, भले 10 का 100 लग जाए, लेकिन एक बार एक्सपीरियंस मिल जाता है क्या है क्या नहीं, फिर आप बड़े लेवल में कर सकते हो. दैट्स जी म्यूजिक के साथ काम किया जी के साथ. या वैलेंटाइन डे के ऊपर ये सभी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा. आई एम डायरेक्टर राजीव वालिया. ये गाना मैंने शूट किया है, और मैं तो होने दे शुरू रोमांटिक सॉन्ग है, और गाना तो आप लोगों ने अभी देख ही लिया है. आई एम प्रोड्यूसर धवन कोटरानी. शुरुआत की है होने दे इसके शुरू ये सॉन्ग से, लेट्स सी आगे बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग मैं चाहता हूँ बने, और मैं देता रहूँगा 2-3 गाने अभी आगे हमने प्लान किया है राजीव भाई के साथ. बस आप सबका प्यार मिलेगा, तो विल डू अगेन समथिंग गुड. बेसिकली गाने को लोकेशंस के साथ है ना, नरेशन के साथ खूबसूरत बना देता हूँ, और मुझे स्टोरी नरेट करने में बहुत मज़ा आता है. अगर स्टोरी नहीं होगी गाने में, मुझे आप कोई भी डांस नंबर भी दोगे तो उसमें भी मैं कुछ स्टोरी डिस्को में क्रिएट कर दूंगा. ये गाना जी म्यूज़िक रिलीज़ कर रहा है, और इनफैक्ट रिलीज़ हो गया होगा, आप अपने यूट्यूब लिंक चेक कर सकते हैं, अभी वो रितेश को मिल जाएगा लिंक्स. और सेकंड कल से या परसों से ETC और जिंग में आना भी शुरू हो जाएगा, और बस बाकी आप लोग सब आई थिंक बहुत खूबसूरत मीडिया है. मैंने म्यूज़िक वीडियो के लिए इतना बड़ा मीडिया कभी देखा नहीं, तो सब वेरी नाइस, अच्छा लगा मुझे. एंड अभी आप लोगों के हाथ में इस गाने को प्रमोट करना, अगर आपको वाकई में अच्छा लगेगा तो इसको उसी तरह से प्रमोट कीजिए, तो गाना बड़ा बन जाएगा. Such a wonderful team, you know, starting from the producer to the director and the actors, you know, it was just mere liye to ye ekdam ghar jaise tha, aisa lag raha tha ki main apne logon ke sath picnic karne gayi hu, to bahut maza aaya. मैं एक्चुअली बोलना चाहूँगा, मैं मिस्त्री के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जब उनकी कांची देखी थी, मैं हॉनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को इंटरव्यूज़ में लोग है ना दूर रखते, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, जो मैं फील करता हूँ वो बोलता हूँ, मुझे प्लानिंग आती नहीं है. तो मैंने मिस्त्री की, सुभाष जी के साथ भी मेरे अच्छे रिलेशन है, तो मैंने मिस्त्री की कांची देखी थी, तो मैंने हमेशा सोचा था इसके साथ मुझे कुछ काम करना है, फिल्म कर, मुझे नहीं पता था ये गाना करूँगा. और फिर कास्टिंग चल रही थी, फिर मिस्त्री के फोटोग्राफ्स मेरे पास आए, तो जो उनके जो जो मेरे एक कोई जान पहचान में ओपी नाम के
सेक्रेटरी है जो कास्टिंग करते हैं, उन्होंने फोटोग्राफ भेजे मुझे मिस्ती के। मैंने उसको बोला इमीडिएटली इसको मुझे कहा, मेरी मिस्ती से तब तक बात नहीं हुई थी, मैं धवन को फोटोग्राफ भेजे। और जब मिस्ती फाइनल की हम लोग ने, उसके बाद मैंने पूरा नरेशन मिस्ती को फ़ोन पे दिया था, और जब नेक्स्ट डे मैं रिहर्सल पे मिला उसको पूरा नरेशन याद था। तो मैंने उसको पूछा भी आपको याद है नरेशन, तो उसने बोला पूरा वर्ड टू वर्ड याद है। ओके तो इस सॉन्ग के लिरिक्स मुझे बहुत पसंद आए थे, मुझे कंसेप्ट बहुत पसंद आया था, एंड दीज आर द मेन थिंग्स। और एक सॉन्ग है जिसमें हमको एक पूरी कहानी बतानी है, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत दिल को छू जाने वाली कहानी लगी थी मुझे, तो इसके लिए मुझे ये पसंद आया था। इसलिए रुस्लान का एक नया शो स्टार्ट हुआ है और मुझे लगता है उसका सडनली डेट्स का इशू बन गया, तो उसने मुझे मेरी फ़ोन पर भी बात हुई और उसने सॉरी भी बोला है, और उसने मीडिया बाइट्स भी मैं उसके भेज दूंगा रितेश के पास, लेकिन वो बेचारा टाइड अप है, वरना वो डेफिनेटली आता। और वो सडनली ऑल ऑफ अ सडन हुआ, वो आपको पता ही चल जाएगा दो वीक में उसका शो ऑन एयर होने वाला है। आई थिंक मैं कह चुकी, अभी हम इसको ज़्यादा एग्जैजरेट करेंगे तो इट विल नॉट गो एनी वेयर। हम बोलेंगे उसके काउंटर में जवाब आएगा, फिर हम बोलेंगे, तो इस नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन राइट नाउ। ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ दैट जब किसी भी आर्टिस्ट को आप साइन करते हो, भले वो कोई बड़ा स्टार हो नहीं हो, छोटे से छोटा इंसान भी हो, बट देन यू शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर द आर्टिस्ट एंड नॉट फॉर स्टारडम, यू नो। तो किसी को भी आप साइन करते हो, उससे आपको क्लियर रहना चाहिए कि भाई आपकी ज़रूरत हमारी फिल्म में इतनी ही है और इतना ही आपका काम है, तो आपका जो भी होमवर्क है, काटना पीटना जो भी करना है, वो प्लीज़ स्क्रिप्ट लेवल पे होना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि हम फिल्में बहुत टाइम तक शूट करते हैं, कभी कभी 100 दिन तक हम शूट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा पार्ट आपका स्क्रीन पे रखे, तो थोड़ा बहुत तो कटेगा ही, वो बनता है कि हर फिल्म में थोड़ा बहुत कटता है, लेकिन अगर आप अननेसेसरीली जस्ट टू ग्लोरीफाई योरसेल्फ, अगर आप किसी को डिमिनिश करते हो, वो बहुत गलत बात है मेरे ख्याल से। और आई डोंट थिंक कोई भी सेंसिबल आर्टिस्ट या ऐसा करेगा, कोई भी सेंसिबल आर्टिस्ट ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, मैंने बिल्कुल बात नहीं की। बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि अगर आपको ऐसा ही लगा था तो आप स्क्रीनिंग में क्यों थी। जाहिर सी बात है, क्योंकि स्क्रीनिंग से पहले मैंने फिल्म देखी ही नहीं थी, स्क्रीनिंग में मैंने पहली बार फिल्म देखा, और स्क्रीनिंग में देखने के साथ साथ इमीडिएटली मेरी किसी से बात नहीं हुई, आई जस्ट लेफ्ट द थिएटर। एंड उसके बाद ना तो मेरे कुछ फ़ोटोज़ हैं, जो भी इंटरव्यूज़ आप देखेंगे वो उसके पहले से हैं, जो भी फ़ोटोज़ आप देखेंगे वो स्क्रीनिंग के पहले के हैं, जो भी मैंने अच्छी अच्छी बातें कही है, मतलब मैं अभी भी फिल्म को अच्छा ही बोलूँगी, बट देन जो भी मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह है वो सब स्क्रीनिंग से पहले का है। तो डोंट कॉन्ट्राडिक्ट बाई सेइंग कि लाइक मैं वहाँ पर क्यों गई अगर मुझे पसंद नहीं था। मैं इसलिए गई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि कंगना को मजबूरी में डायरेक्शन की कमान संभालनी पड़ी, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कैसी मजबूरी, मतलब डायरेक्टर ने उनके लिए इसके लिए उनको मजबूरी? ओके, तो आपने डायरेक्टर से बात की? देखिए, हमारे देश की ही नहीं, मतलब एवरी सोसाइटी, हर सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है कि लोग बहुत जजमेंटल होते हैं। अगर आप बात करो तो पब्लिसिटी के लिए बात कर रहे हो, अगर आप बात नहीं करो, आप चुप हो, मतलब आप गलत हो, तो क्या करें भाई। डायरेक्टर पहले इसके लिए चुप थे कि उनकी बातें कहीं फिल्म को अफेक्ट ना करें, और किसी ने कोई बात इसके लिए नहीं की फिल्म के रिलीज तक कि फिल्म को अफेक्ट ना हो। लेकिन उसके बाद जब उनको लगातार कॉल्स जा रहा था और सब पूछ रहे थे, ही हैड टू कम आउट एंड स्पीक। बट आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि उनका प्लान था वो फिल्म के एक दो हफ्ते बाद बात करें, दैट वॉज हिज प्लान, बट देन पीपल केम टू हिम डायरेक्टली एंड दे वर आस्किंग हिम, एंड कब तक कोई चुप रहेगा। तो अभी सच बात ये है, जितना मुझे पता है, जितना और भी आई थिंक 90% लोगों को ये पता है, भले कोई बोले या नहीं बोले, डायरेक्टर ने पूरी फिल्म कंप्लीट की। ऑब्वियसली आई वाज देयर इन द शूट, आई नो उन्होंने कितना शूट किया, पूरा फिल्म कंप्लीट हुआ। उसके बाद वो उन्होंने प्रोड्यूसर से और कंगना से और सबसे ये बात बोली कि लाइक आई नीड टू साइन अ फिल्म डाउन साउथ, तो NTR की जो बायोपिक है, तो वो मैं साइन करके आके आई कंप्लीट द पैच वर्क, जो कि थोड़ा बहुत पैच वर्क बाकी रहता है। तो उसके बाद वो वहाँ पे गए, उसके बाद ही वॉन्टेड टू कम एंड कम्प्लीट द पैच वर्क, लेकिन तब तक यहाँ पे डिसाइड हो गया था कि फिल्म को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करना है, और कौन सा कैरेक्टर क्या करेगा,
करेगा क्या नहीं करेगा. सो ही वॉज इन वेलकम्ड आफ्टर दैट यू नो द डायरेक्टर वॉन्टेड टू कम बैक एंड डू द पैच वर्क बट ही वॉज इन वेलकम्ड ऑन आवर सेट्स. कोई भी होगा ना मतलब जब भी आप फिल्म साइन करते हो तो आपको बोला जाता है कि आप फिल्म में ये करो. लेट मी क्लैरिफाई दिस क्योंकि बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि मणिकर्णिका का फिल्म है तो मणिकर्णिका के ऊपर ही होगा ना, काशीबाई के ऊपर, तांतिया टोपे के ऊपर, सुंदर मुंदर के ऊपर नहीं हो सकता है. डेफिनेटली नहीं हो सकता है. बट देन जब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि फिल्म में आपका क्या है एग्जैक्टली. वो तो कोई आपसे झूठ नहीं बोल सकता ना कि फिल्म में आपको बोला जाता है कि आप ये कर रहे हो. एट द एंड ऑफ द डे आप देख रहे हो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो. वो तो झूठी बात है ना. और वो भी somebody tricks you into giving extra dates ताकि आपके पहले के scenes काट पाए. That is very wrong. ऐसा मुझे लगता है. और दूसरी बात ये है कि you know जिसके साथ मैंने साइन किया वो डायरेक्टर कोई और था. अगर एक दिन अचानक से जब फिल्म ख़त्म होने वाली है कोई आके मुझे बोले कि मैडम आपका डायरेक्टर ये नहीं ये है और वो भी आपके फोर स्टार है, तो ये तो सबको पता है कि हम आर्टिस्ट बहुत नार्सिसिस्ट होते हैं. हर आर्टिस्ट सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है. तो मैं तो कभी ऐसा फिल्म ना करूँ जिसका एक्टर ही डायरेक्टर है यू नो, बिकॉज वो ऑब्वियसली वो अपने बारे में सोचेगा इसमें कोई गलत बात नहीं है, उनके तरफ से कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेरे तरफ से तो वो गलत ही हो जाएगा ना. तो मैं तो कभी ऐसा कोई फिल्म नहीं करूँ जिसमें आर्टिस्ट डायरेक्टर है यू नो. सो अ फिल्म ऑलवेज डायरेक्टर को न्यूट्रल होना है. डायरेक्टर के नॉट बी बायस्ड अबाउट एनीथिंग. डायरेक्टर के लिए फिल्म का हर पहलू उसके उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है. मतलब फिल्म के पीछे एक सही डायरेक्टर वो होता है जो फिल्म के सबसे पीछे एक बैकग्राउंड डांसर भी ठीक तरीके से डांस कर रहा है कि नहीं, वो फिल्म के साथ उसका मैच हो रहा है कि नहीं, उसका भी ध्यान रखे. दैट इज़ व्हाट अ रियल डायरेक्टर इज. रियल डायरेक्टर कभी सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हो सकता है. आर्टिस्ट हैज़ लिबर्टी टू डू दैट. अ डायरेक्टर कैन नॉट डू.